हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आई अब आपका जो गेट का एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ही आसान था स्पेशली द जनरल एप्टीट्यूड पार्ट बहुत ही आसान था सो so ये जो फिफ्टीन मार्क्स है जो जनरल एप्टीट्यूड कैरी करता है ये तो अब आपके आसानी से सिक्योर होने वाले हैं सो विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल एप्टीट्यूड मार्क्स अब आप देखना आपका स्कोर कितना ज़्यादा इम्प्रूव होता है सो so, uh, ये जो डिस्कशन है दिस इज़ अ प्लान फॉर द स्टूडेंट्स टू चेक कि आपने जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं वो सही है या नहीं ओके सो आई बी डिस्कसिंग वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन जो इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन थे हम वो डिस्कस करने वाले हैं सो so, देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या था द मूवी वॉज फनी एंड आई डैश ओके अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है कूडेंट हेल्प लाफिंग ड हेल्प लाफिंग अब सबसे पहले तो आपको मीनिंग समझना होगा सेंटेंस का कि द मूवी वॉज फनी मतलब जो मूवी थी वो कैसी थी पिक्चर कैसी थी फनी थी मजाकिया थी कॉमेडी थी एंड आई और मैं मतलब अब यहाँ से क्या होगा कुडेंट हेल्प लाफिंग लाफिंग नहीं होगा और मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाई ओके okay? कुड़ का एबिलिटी बताता है है ना मतलब कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते जैसे अब यहाँ पे वो हंसना रोक नहीं पा रही थी इसीलिए हम यहाँ पे कुडेंट यूज करेंगे मतलब कुड़ वाले जो सेंटेंसेज है वो तो वैसे ही कैंसिल हो गए अब बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी अब कुडेंट हेल्प लाफिंग आएगा या फिर कुडेंट हेल्प लाफ आएगा ओके okay? सो so अब देखिए द मूवी वॉज फनी आई एंड आई कुडेंट हेल्प लाफ नहीं कूडेंट हेल्प लाफिंग मत क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में थी जब तक मूवी चल रही थी वो हंस रही थी ओके okay? इसीलिए ये क्या आएगा परफेक्ट टेंस आएगा ओके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा सो दिस इज पास्ट क्योंकि वॉज आया है मतलब ये मूवी हो चुकी है इसीलिए पास टेंस एंड इट इज परफेक्ट इट इज नॉट गोइंग टू चेंज बट इट वॉज एन कंटिन्यूएशन इसीलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यहाँ पे यूज किया है एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए ये ओके ऑप्शन ए टू बी द करेक्ट आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन द रीडिंग कॉम्प्रीहन इसके ऊपर मैंने आपका बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई थी क्योंकि मैंने आपको और मैंने आपको ये कहा भी था कि ये हंड्रेड परसेंट ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में सो so, देखिए आया भी है एंड दिस क्वेश्चन कैरीज टू मार्क्स ओके सो एंड बहुत ही आसान सा पैसेज था देखते हैं क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए ओके okay? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल इन्फरेंस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द अबाउ पैसेज अब इन्फरेंस का मतलब क्या होता है कंक्लूजन मतलब आपको इससे क्या पता चला है पूरे के पूरे पैसेज के थ्रू ओके ऑप्शन क्या है फ्यूअर पीपल आर विजिटिंग द मॉल्स एंड नॉट स्पेंडिंग इनफ मोर पीपल आर विजिटिंग द मॉल्स एंड स्पेंडिंग मोर मोर पीपल आर विजिटिंग द मॉल्स बट नॉट स्पेंडिंग इनफ या फ्यूअर पीपल आर विजिटिंग द मॉल्स बट स्पेंडिंग मोर अब देखिए इन सारे ऑप्शन का ना मतलब अच्छे से समझिए यहाँ पहले सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि कम लोग विजिट करते हैं एंड उसमें से भी कोई खर्च ज़्यादा नहीं करता दूसरे में बहुत लोग विजिट करते हैं बहुत लोग जाते हैं मॉल में और बहुत और उतना ही बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं नेक्स्ट बहुत लोग जाते हैं लेकिन खर्चा ज़्यादा नहीं करते एंड फोर्थ में कम लोग जाते हैं लेकिन खर्चा बहुत करते हैं ओके द पैसेज एंड लेट्स अंडरस्टैंड सा ऑप्शन सही होगा इन द लास्ट फ्यू यर्स सेवरल न्यू शॉपिंग मॉल्स वर ओपन इन सिटी द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन द मॉल्स इज इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव मतलब खुश कर देने वाला है हाउ एवर द टोटल रेवेन्यू through थ्रू सेल्स इन द शॉप इन दीज मॉल्स इज जनरली लो ओके खुश कर देने वाला है मतलब ज्यादा है जनरली लो मतलब रेवेन्यू मतलब क्या होता है जो उनको इनकम हो रही है वो कम है इनकम कम है मतलब लोग कम स्पेंड कर रहे हैं पैसे है ना मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा मोर पीपल आर विजिटिंग द मॉल्स बट नॉट स्पेंडिंग इनफ ओके बहुत लोग मॉल्स जा तो रहे हैं लेकिन खर्चा नहीं कर रहे हैं उतना ओके इसीलिए एक्सपेक्टेड आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी सी ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ओके okay? सो दिस दीज वर द क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम द जनरल एप्टीट्यूड पार्ट अब शॉविक्स और आपको आपके जो न्यूमरिकल एबिलिटी के पार्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो डिस्कस करने वाले हैं ओके सो स्टे ट्यूड एंड हैप्पी लर्निंग